बसेरा, सब कुछ छूट जाएगा एक दिन, तो कुछ ऐसा काम करके जाना है। आज एक सम्मान से जिस बहन का नाम लिया जाता है, क्योंकि एक धर्म यज्ञ के अंदर हमेशा यजमान बन करके वो बैठे रहते थे। आज जिनके एक इल्हाम की बात आपको हसमुख भाई श्री हसमुख भाई ने बताया, ये होता रहता है। सच्चा काम आकर आपने जीवन में किया है तो सुंदर साथ होगा, वो न स्वर्ग में जाएगा, न वैकुंठ में जाएगा, न निराशा में जाएगा। जो सुंदर साथ होगा, जीवन भर राजकीय के पाठ पारायण किया हो, जीवन भर राजकीय के चरणों में अगर आपने चित लगाया है, तो वो स्वर्ग में नहीं जाता है, वैकुंठ में भी नहीं जाता है, वो निराकार में भी नहीं जाता है। तो जाता कहा है? सुंदर साथ का शरीर छूटता है तो उसकी चेतना, उसकी आत्मा कहाँ जाती है? बोलना पड़ेगा, पक्का होना चाहिए। तो क्योंकि ये जीते जीव, ये भक्ति का फल ऐसा है, ये जीते जीव मिलना चाहिए। जाने के बाद तो उस तारीख का क्या होता है? सिंबल परमिशन को जीते जीव प्राप्त करना पड़ता है। बोलो श्री। जाने के बाद नहीं। तो सुंदर साथ का जो शरीर छूटता है, वो सुंदर साथ कहाँ जाते हैं? कौन से परमधाम? पक्का करना पड़ेगा। बोलो श्री। हाँ, परम धाम में जाते हैं। बात बिल्कुल सही। और मैंने आप लोगों को पूछा जो सुंदर साथी उनके लिए है, बाकी बंधुगण तो मैं हम लोग जान हो जी बात है। ये विषय छेड़ गया है, कई बार मैं बारहवा में जाता हूँ, अवश्य प्रश्न छेड़ता हूँ, बताता हूँ। कई नए है, कई नए पुराने होंगे तो पक्का हो जाता है, नए होते हैं तो समझ में नहीं जाते। देखो, इस बात को जानने के लिए हिमालय के ऋषियों ने कई युगों की समाधियां लगाई थी आंतरिक विज्ञान के लिए। और ये उपनिषद के अंदर इसका वर्णन आता है। पहले ये जानने का प्रयास किया था कि जीव का स्वरूप कैसा हो, तो ऋषि मुनियों को इतना पता चला कि जीव के स्वरूप को हम संसार में चेतना की आंखों से देखा, पर संसार में बताना कैसे, क्योंकि संसार की बुद्धि उस लेवल की नहीं। अभी यहाँ देखो कि यहाँ कई हजारों फैक्ट्री है, पर कोई माने कि यहाँ हजारों है, ऐसा थोड़ी होता है। पर सूक्ष्म दृष्टि यंत्र ला करके देखो, पता चलता है कि यहाँ हजारों जीव है, कीटाणु यहाँ घूम रहे, पर ये जल्दी पता चलता, मोटी आंखों से नहीं पता चले, बारीक आंख सूक्ष्म आंख चाहिए। बोलो श्री। ऐसे भी साथियों, मेरा कहने का अर्थ है, चेतना की ओर जाओगे, सूक्ष्मता की ओर जाओगे, तो परम वस्तु को जरूर जान पाओगे। ऋषि मुनियों ने यह जानने का प्रयास किया था कि आखिर जीव का स्वरूप कैसा है, तो पता चला कि साधना के माध्यम से कि वो तो दिव्य स्वरूप है, पर उसको समझाना कैसे, संसार की वस्तुओं से कितना सूक्ष्म है वो, जब ये शरीर जीव है तो कहना शरीर के अंदर जीव है, तो कहना शरीर को चलाने वाला जीव है, पर अंदर एक शरीर है, वो कारण शरीर है, वो जीव है तो कहना उसके अंदर एक शरीर है, हमारा स्थूल शरीर है, अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो शरीर है वो कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर भी महाकारण शरीर है, महाकारण के शरीर के दिल के अंदर जीव का वास है, इतना सूक्ष्म है। बोले हाँ, तो के उसको जाना कैसे जाए, दुनिया में बताया कैसे जाए, तो के ऋषि मुनियों ने एक दृष्टांत दिया था, ध्यान से सुनना। बोलो श्री। हमारे माथे का बाल एक उखाड़, उसके 100 टुकड़े करना, कितने? तो जीव के स्वरूप को कैसे समझाया था ऋषियों ने, 100 टुकड़े करना, उसमें से एक टुकड़ा ले लेना, 100 टुकड़े किए ना, उसमें से एक टुकड़ा ले लेना, उससे उसके 10,000 टुकड़े कर, उसमें से फिर एक का चुनाव कर, उसमें से एक टुकड़ा ले लेना, उसके 10,00,000 टुकड़े, कितने? ये संसार की बुद्धि के कैसे समझाना, ये ऋषियों ने एक दृष्टांत बताया था, उसमें से एक टुकड़ा लेना, उसके बाद फिर 10,00,000 में से एक टुकड़ा बचे, उसका एक टुकड़ा लेना, उसका 10,00,000,000 टुकड़े करना, अगर कर सकते हो तो, उसमें से एक टुकड़ा लेना और फिर उस टुकड़े से 10,000 गुना सूक्ष्म जीव, इतना मोटी बुद्धि समझ लेना। बोलो ले श्री। जीव की सूक्ष्मता का आभास है, इसलिए मोटे रूप में उसको समझाया नहीं जाता है साथियों। तो ये ऋषि बोले, तो अब ये जाता कहाँ, रहता कहाँ, तो महाकाल के दिल के अंदर, तो फिर
शरीर छोड़ने के बाद वो निकलता कहाँ से? क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं, पवित्र काम करते हैं, सत्यता का काम करते हैं, तो साथियों उर्ध गति की ओर दसवें द्वार से उसका जीव निकलता है। और बाकी के जो फलाना ढिकना नहीं है वो कर कर दुनिया का घंटा पिटा करके फिर जीव निकलते हैं, तो वो बाकी के सो नाड़ियां हैं वहां से जीव निकलते हैं। वो पेड़ पौधे फलाना ढिकना जुआ बुआ फलाना ढिकना नहीं है वो ये सब बन जाएंगे, कुकरे बकरे सब इसमें एडमिशन होगा। और जो पवित्र काम करके जाएंगे वो दसवें द्वार से जो जीव निकलता है या तो वो मानव बनेगा या ऋषि बनेगा या मुक्ति को प्राप्त। संसार के जीव होंगे ये या तो स्वर्ग में जाएंगे या तो वैकुंठ में जाएंगे, जो ज्यादा तपस्वी होंगे वो तप लोक में जाएंगे, कोई बिल्कुल तपी जाए विष्णु के द्वार जाएंगे। झाजा कबीर जैसे वैकुंठ से आगे जाते हैं वरना कोई नहीं जा सकता। बोलो श्री निराकार के पार ऐसे महान जो तपस्वी वो जाएंगे। अब आपने पहले ही मेरे मुख से सुना कि सुंदर साथ होगा ना स्वर्ग में जाएगा ना वैकुंठ में जाएगा ना निराकार में जाएगा, तो जाते कहां है? तो धाम गणेश श्री प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में बताया है कि सुंदर साथ परम धाम का रास्ता लोगे तो पहुंचोगे कहां? क्योंकि परम धाम का नियम ऐसा है कि कट्ठे आए कट्ठे जाने का, ओढ़ी रेले और अखंड परम धाम का नियम है कि एक साथ खरामोशी पड़ी है और एक साथ जाएगी, इसलिए टाइम प्रेरी परम धाम पन्ना को बनाया। किसको बनाया? पन्ना से पहले चौथे दिन की लीला में घनिष्ठ देवचंद्र महाराज आए थे। उस समय आपने देखा होगा कि गोवर्धन भाई और मेरा ठाकुर बीतक देवचंद्र महाराज के वहाँ गांधी भाई आज चाकला मंदिर कहते हैं वहाँ चर्चा सुनने जाते हैं। 13 साल के अंदर प्यारे साथियों उनका अंतर्ध्यान हो गया था। किसका? गोवर्धन भाई का। तो उसकी आत्मा कहाँ गई थी? क्योंकि जब साथियों मोहम्मद साहब कौन आए थे? हजार साल पहले मोहम्मद साहब आए थे अरब की धरती में। तो अली ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल बताओ कि अल्लाह ताला कहाँ रहते इस घर से अजीम में, देखो उनको मिल सकते? तो बोले हाँ, पर कब? तो कि कल के रोज। तब मिल सकते हैं? कल के रोज। तो कि कल के रोज, तो कल की अकल तो उनको नहीं है, पर बोले झाजे समय हमको नहीं समझ में आएगा कि कल कब होगी। तो कि तुम ऐसा समझ लेना कि पश्चिम से मगरब से सूरज उगेगा तब अल्लाह, आप मगरब से सूरज को नहीं होगा क्योंकि मगरब को क्या बोलते हैं? पश्चिम। और देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जहाँ सूरज डूबता है उसको पश्चिम बोलते हैं, ठीक है? नियत ही सूरज उगे कभी नहीं उगे। पर मोहम्मद साहब ने कहा था भाई जब अल्लाह ताला जगत में आएंगे तो पश्चिम से सूरज उगेंगे, क्योंकि अली के हमको नहीं पले चढ़ेगा, कोई दूसरी दिशा नहीं बता। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। हाँ का एक समझ में आई, पर कब उठेंगे ये समझ में आता नहीं, कोई और बातें बताओ। तो फिर अक्सर अपने जबराइल का सुर फूकना ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इशारो अल्लाह का आगमन होगा ये भी समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने बताया अच्छा एक काम करो, जयकर लगा बोलो श्री, एक दज्जाल आएगा काने गधे के ऊपर सवार होगा और 7 समुद्र नो जल इन्हें घुटने आवश्य। बोलो श्री, आऊ गधेड़ू क्या रे आवे ये भी समझ में नहीं आएगी। तो आखिर में मोहम्मद साहब ने कहा अच्छा तू एक काम कर अली, कि मेरे जाने के बाद, हाँ ये खबर पड़ी मेरे जाने के बाद, ये तो वार त्योहार नहीं है गणतंत्र सिलेंडर सिलेंडर ये तो समझ में हमको नहीं आएगा, गणतंत्र कहाँ से शुरू होती है ये कुछ नहीं समझ में आएगी। क्योंकि तो मेरे जाने के बाद जिस दिन मेरा अंतर्ध्यान होगा उस दिन से गिनती शुरू कर देना। हाँ बरोबर, मेरे जाने के बाद साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूहल्ला मिसल गांधी और मोमिन उतरे तब मर्दों की जमात आएगा खुद खुदा आएगा आर वो तो ऐसा कहा कागज परवान आउसी रब आलम का तब खोल सी कुरान, एक कुरान हम आपको दे देते हैं उसको नमाज पढ़ना, बाकी तुम्हारी बस की बात नहीं है उसको खोल सको उसके भेदों को समझ सको, 5 बार की नमाज अदा करना दूसरा कुछ करना मत। और अल्लाह आएंगे आलम यानी अनंत ब्रह्मांडों के मालिक,
अल्लाह हमेशा उसे रोज हसर कयामत के दिन अच्छा ये बात बरोबर बोलो श्री। अब उन्होंने कहा अल्लाह ताला जगत में आएंगे तो बैठेंगे कहां, ये तो समझना पड़ेगा नहीं, बैठेगा कहां? तो कोई मंदिर में बैठोगे, मस्जिद में बैठोगे, कहीं बैठो, कोई टोकरी पर टेकरी पर बैठोगे, कहीं खीणों में बैठो, कहां बैठोगे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कह दिया था 1000 साल पहले, ये पानी में भी लिखा है, प्रसंग आता है, तो कि अली को कहते कि अली सुनो, मैं मोमिनों के दिलों में बैठूंगा, कहां बैठूंगा? ये बात उमा ने शंकर को पूछी थी, जब भगवान शंकर ने कहा था उमा मेरे हिमालय के बैठने का यही मकसद है कि आप पानी ना परपोटा देऊ तो आपको जीवन से इनो भरोसा नहीं, आपको भरोसा नहीं, इसलिए मैं हिमालय में बैठा हूँ। तो क्या अच्छा, तो कि कब तक बैठे रहेंगे? तो कि 28वें कलयुग में परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं को लेकर के नहीं आएंगे तब तक मैं बैठूंगा, बोलो श्री। इस शंकर भगवान ने पार्वती को कहा था, और क्या लेकर के आएंगे? तो कि ब्रह्म ज्ञान लेकर के आएंगे, और उन्हीं ब्रह्मात्माओं के दिलों में उसका वास हो। वही बात पुराने तारीख हदीसों में मिलती है कि जब अल्लाह ताला ने अली को बताया था कि देखो भाई मोमिनों के दिल में होंगे, क्योंकि अब अल्लाह ताला मोमिनों के दिल में बैठेंगे। तो ये प्रसंग में आप लोगों को इसलिए बताया हूँ कि चौथे दिन में सुंदर साथ का शरीर छूटता था, चौथे दिन में परमात्मा की महाशक्ति कहाँ बैठी थी? चौथा दिन यानी हमें ये कौन समझाव पड़े, बोलो श्री। मुसलमान भाई नमाज पढ़ते है छठा दिन, कौन सा? पर वो गणतरी कहाँ से करते है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कहाँ से गणती करते है? शुक्रवार कौन सा दिन है? नमाज का छठा दिन। अब छठा दिन किधर गणती से वो कौन सा छठा दिन को कहां की गिनती शुरू होती है? पका तो है नहीं, ये अठवाड़िया ना दिवसों में गणे कौन है? अब आज दिवसों के लोगों ने बनाया थी, यहाँ कोई परमात्मा बन रहे क्या? अल्लाह ताला को इसके सुनने वाले सन्नराज मंगल वाले इसको क्या लेना दे? पर पुराने शरीफ में लिखा था छठा दिन मोमिनों का होगा, इसलिए छठा दिन इधर जुम्मे का रखा शुक्रवार, इनको अल्लाह ताला से कोई मतलब नहीं। इधर 6 दिन कौन से है भाई? एक दिन ब्रज का, दूसरा रात का, तीसरा अरब का, चौथा धनेश्वरी। यहाँ तो परमात्मा की लीला करने के समय को दिन कहा है, यहाँ कोई अठवाड़िया के दिनों की गिनती नहीं है। तो लीला लेन ये बनी जल है, अभी तक कोई क्यों पढ़ते थे कहीं खबर पड़ती जमीन आसमान का फर्क है। तो छठे दिन मोमिनों को नमाज पढ़ा के अर्श की नमाज, ये नमाज ममान नहीं, यानी परमात्मा अपने धाम की प्रार्थना कराएगा, अर्जी कराएगा, जो भजन कीर्तन जिसको बोलते हैं, बोलो श्री। तो साथियों कहने का अर्थ है कि चौथा दिन, चौथे दिन में कौन आए? धनेश्वरी, मर्दों की जमात जो सुंदर साथ आए नहीं आए? देवचंद्र महाराज। तो देवचंद्र महाराज के दिल में राज्य बैठ गए, तो वो दिल क्या हो गया? अर्श हो गया। क्या हो गया? अर्श यानी परम था। तो चौथे दिन में सुंदर साथ के शरीर छूटे, वो सब कहां है? देवचंद्र महाराज के राज्य महाराज के चरणों में। अब वो शक्ति 1712 में, विक्रम संवत 1712 में कहां बैठी? इंद्रावती के दिल। तो 5वें दिन के समय में नवकलपुरी से लेकर के पन्ना की ओर श्री जी गए, जो रास्ते में सुंदर सात का तन छूटा, जो सच्चे ईमानदार थे, विश्वासु थे, राज्य के कदमों पर चलते थे, उनकी जीव हो चाहे सुरता चेतना हो, वो सारे कहां गए? इंद्रावती के। और वो तन जाकर के आखिर में 1751 में कहां जाके बैठ जाता है? बुंदेलखंड, विंध्याचल पर्वत, समझ गए? खाने के आज उसी स्थान का क्या नाम लेते हैं? पन्ना, घूमट जी दरबार के बंगला जी दरबार, घूमट जी में तहखाने के आप श्री जी साहेब बैठे, अंदर इंद्रावती आसन, सांझ में राजी और श्यामा जी। अब जो सुंदर साथ के शरीर छूटते हैं तो कहां जाए? हाँ ये पांडू कर लिया हो, हाँ वहां इंडियन वो नहीं करने का है, ये पक्का, क्योंकि ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये पक्की बात है।
मैं कई बार आप लोग को बताया हूँ, आज भी बता, ये तो क्या है कि कोई कोई आतंक हो घेना दवापति आई बात निकले नहीं तो अपने नाजरो फोड़ी ने लौकिक व्यवहार करें छूटा कांग्रेस के समय में जो प्रधानमंत्री रहे एस के भगत।